सो गाइज, आप जब इसीलिए जब भी आप कसूरी हल्दी खरीदिए खरीदना चाहें तो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप। सर मेरा नाम है रूपा, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाय, मेरा नाम रूपा है। आई पोस्ट फैशन, डीआईवाई, स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग, मेकअप वीडियोस ऑन माय चैनल एवरी वीक। सो इफ यू लाइक माय चैनल देन टू सब्सक्राइब। जब मैंने कस्तूरी हल्दी का वीडियो बनाया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं लाई हूँ कस्तूरी हल्दी के वीडियो का सेकंड पार्ट, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सी असली कस्तूरी हल्दी है और कौन सी नकली, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर नकली हल्दी हमें मिलती है। और आपके बहुत सारे सवाल भी आए थे उस वीडियो के बाद कि हमें कैसे पहचाने कि कौन सी हल्दी एक्चुअल में कस्तूरी हल्दी है और कैसे हम इसको घर पे बना सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके थे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे कैसे पहचान सकते हो कि मार्केट से जो कस्तूरी हल्दी आप लाए हो वो असली कस्तूरी हल्दी है या फिर नकली। नॉर्मली हल्दी के 30 तरीके के टाइप्स होते हैं, तो इनमें से असली कस्तूरी हल्दी को ढूंढ के निकालना सच में बहुत मुश्किल है। और अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदने जाओगे तो 99% केसेस में आप हल्दी तो पाओगे, और वो ओरिजिनल और शुद्ध हल्दी तो आप पाओगे, लेकिन कस्तूरी हल्दी आपको नहीं मिलेगी। तो बीते दिनों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही एक वाकया हुआ है, और इसके थ्रू मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि जो हल्दी मार्केट में कस्तूरी हल्दी के नाम से बिकते हैं, दे आर नॉट 100% ओरिजिनल कस्तूरी हल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इस कंपनी का हल्दी लिया था और इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि वाइल्ड टर्मरिक, मतलब कस्तूरी हल्दी। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कस्तूरी हल्दी को पहचानने का, वो है इसका कलर। कभी भी कस्तूरी हल्दी का रंग डार्क येलो नहीं होगा, और हम खाने के लिए जो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ इसके कलर का एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कलर को देख के ही आपको कस्तूरी हल्दी को पहचाना होता है, एंड ये हाउस होल्ड में नहीं पाया जाता है। बेसिकली कस्तूरी हल्दी जंगलों में ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर आप दोनों हल्दी के पिक्चर्स देख सकते हो, ये ओरिजिनल कस्तूरी हल्दी है, और दूसरे साइड पर जो हल्दी आप देख रहे हो दिस इज़ नॉर्मल हल्दी, जो हमारे घर पर बगीचे में भी बनते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हल्दी एंड कस्तूरी हल्दी इज़ द कलर। कस्तूरी हल्दी का कलर थोड़ा सा हल्का येलो होता है, और बाकी जो हल्दी होती है उनके डिफरेंट कलर शेड्स होते हैं, लेकिन कस्तूरी हल्दी की तरह ये इतने लाइट कलर के नहीं होते। मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था ये वाला हल्दी, कि ये हल्दी भी ओरिजिनल हल्दी है और इसको भी आप स्किन पे लगा सकते हो। और जब मैंने इसके पैकेट को ओपन किया, ओपन करने के बाद जो हल्दी मैंने देखा, ये वाला हल्दी भी ओरिजिनल हल्दी ही है। मतलब इसका कलर आप देख सकते हो, इसका कलर और इसके साथ आप देख सकते हो हमारे किचन का जो खाने का जो हल्दी है उसका कलर, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों सिमिलर ही है। इसलिए जब भी आप कस्तूरी हल्दी खरीदोगे या खरीदने के सोच रहे हो, तो डोंट गो ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे 99% जगह पे आपको ओरिजिनल कस्तूरी हल्दी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे जो हल्दी मिलेंगे वो है कच्ची हल्दी, जिनको डस्ट बना के उनका पाउडर निकाल के उसको बेचा जा रहा है। हालांकि ये हल्दी ओरिजिनल हल्दी है, लेकिन ये कस्तूरी हल्दी की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि कस्तूरी हल्दी स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हल्दी है इसको भी आप लगा सकते हो, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज कस्तूरी हल्दी। तो यहाँ पे मैंने दोनों हल्दी का कंपेयर किया। अब पैकेट को काटने के बाद अगर आप किचन वाली हल्दी के साथ और जो कच्ची हल्दी आपके घर में रहते हैं उस हल्दी के साथ इस हल्दी का कंपेयर करोगे तभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन काटने के बाद तो इसको आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसको आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैंने ऑर्डर किया था ओरिजिनल कस्तूरी हल्दी को, लेकिन मेरे पास आया तो हल्दी और वो भी शुद्ध हल्दी, लेकिन वो कस्तूरी हल्दी नहीं था। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इसका कलर देख के इसको पहचानने की कोशिश करो, और ऑनलाइन इसको ख़रीदने से थोड़ा सा बचो, क्योंकि ऑनलाइन आपको ये वाले हल्दी ओरिजिनल नहीं मिलेंगे। उसके बदले ऑनलाइन आप एक 100 ग्राम 80 ग्राम का हल्दी का पैकेट लोगे 150-200 रुपया से, उसके बदले आप बाज़ार में दुकानदार के पास जाओ और वहाँ पे जो कच्ची हल्दी है उसको लाके सुखा के भी उसका पाउडर बना सकते हो। था मेरा आज का वीडियो ऑन कस्तूरी हल्दी, के आप कैसे पहचाने के कौन सी असली कस्तूरी हल्दी है कौन सी नकली। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।